हेलो गाइस, मेरा नाम है सूरज और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, हम इसमें कुछ थ्योरी टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर बाद में उसे वीएस कोड के अंदर हम कोड करके भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो ऑपरेटर्स कई टाइप के होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपेरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टाइप ऑफ ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। तो हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर से स्टार्ट करेंगे। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर आपके सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस और कुछ अलग ऑपरेटर्स भी आपको दिख रहे होंगे अगर आप प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से नहीं है, जैसे कि एक्सपोनेंशियल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तो इन्हें भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो काफ़ी ईजी है, आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा होगा कि ये क्या करते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को पढ़ना स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ लेते हैं ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स के बारे में। तो जो वैल्यूज होती है उसे हम ऑपरेंड्स कहते हैं, और जो ऑपरेटर होता है जो परफॉर्म करेगा, जैसे कि एडिशन ऑपरेटर यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिया, ये एक ऑपरेटर है। तो आपको आई होप ये फिगर देख के आपको क्लियर हो गया होगा ऑपरेटर और ऑपरेंड किसे कहते हैं। तो आप शुरू करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो एडिशन ऑपरेटर काफ़ी इजी है, ये नंबर्स ऐड करता है और वेरिएबल्स को भी ऐड करता है। तो फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं ये नंबर्स को ऐड कर रहा है, एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा है जिसका नाम मैंने यूजर रखा हुआ है। तो एडिशन ऑपरेटर यूज़ किया जाता है नंबर्स और वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए। तो इसी तरह बाकी ऑपरेटर्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि सब्ट्रैक्शन, बस हमने साइन चेंज कर दी, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर हमने एस्ट्रिक साइन का यूज़ कर लिया, और डिवीजन के लिए हमने स्लैश का यूज़ कर लिया। तो आई होप आपको बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स समझ आ चुके होंगे, और अब हम इसे एक बार वीएस कोड में भी रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है ऐड नाम का, और उसमें मैंने दो वैल्यूज डाल दिए है, और सिंपल कॉन्सोल लॉग कर लिया है ऐड को। तो आप देख सकते हैं टर्मिनल में हमारी वैल्यू आ चुकी है 30, एडिशन हमारा। और अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं वेरिएबल्स का। तो यहाँ पर मैंने फिर से इस कोड को कमेंट कर देता हूँ पहले, और यहाँ पर मैंने अब दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए है, ए और बी, दोनों में वैल्यू मैंने 50 ले ली है। और फिर से मैं ऐड को ही, और मैंने यहाँ पे तीसरा वेरिएबल भी डिक्लेयर किया है सम नाम का, और मैं सम नाम के वेरिएबल में ए और बी को ऐड कर देता हूँ, और मैं इसे सम नाम के वेरिएबल को प्रिंट कर लेता हूँ कंसोल लॉग का यूज़ करके, और वैल्यू आ चुकी है टर्मिनल में हमारा आंसर, जो कि है 100। तो ये भी काफ़ी ईजी था। अब आगे बढ़ते हैं। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ किया जाता है जब आपको आपका रिमाइंडर लेना होता है। अगर हम कोई वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो हमें मिल जाता है मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करके। तो एग्जांपल में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जैसे कि मैंने 3 और 10 को डिवाइड किया है, और फिर मुझे रिमाइंडर में 1 मिल चुका है। तो इसे भी वीएस कोड में एक बार रन करके देख लेते हैं। तो मैं उसी पुराने एग्जाम्पल को यूज़ कर लूँगा, बस मैंने वैल्यूज़ को चेंज कर दिया है, और सम के अंदर मैंने मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज कर लिया है। तो हमें हमारा रिमाइंडर मिल चुका है, जो कि है 1। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर लूप स्टेटमेंट में काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देते हैं, अगर आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो ये जो भी वैल्यू होंगी उसे 1 से इंक्रीज कर देगा। तो वेरिएबल में मैंने 10 वैल्यू को ले लिया है एक्स के, और फिर मैंने एक्स को प्लस प्लस कर दिया है। यहाँ पर प्लस प्लस का मतलब होता है एक्स प्लस 1, तो हमारी वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाती है। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी बिल्कुल सेम होता है, बस वो वैल्यू को इंक्रीज नहीं करता, वो 1 से डिक्रीज कर देता है। तो इसे भी हम वीएस कोड में देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है एक्स नाम का, और उसमें वैल्यू असाइन कर दिए, और फिर उसे इंक्रीमेंट कर दिया है, प्रिंट भी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं आउटपुट में हमें 11 मिल चुका है। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए हम दो बार इसे प्रिंट करवा लेते हैं। तो एक बार बिफोर इंक्रीमेंट एंड आफ्टर इंक्रीमेंट। तो आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर इंक्रीमेंट के वैल्यू, बिफोर इंक्रीमेंट हमारी वैल्यू 10 ही थी, आफ्टर इंक्रीमेंट हमारी वैल्यू 1 से प्लस हो चुकी है, इसलिए हमें 11 मिल चुका है। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी सेम होता है, बस एक वैल्यू डिक्रीज हो जाएंगी, आउटपुट में हमें 10 और 9 मिलेगा। तो आप देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर के बारे में। तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर आपके फर्स्ट ऑपरेंड को रेज कर देता है टू द पावर ऑफ सेकेंड ऑपरेंड। सिंपली बोलूँ तो क्यूब, स्क्वायर ऐसे वैल्यूज प्रिंट करता है। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज हम तब करते हैं जब हमें क्यूब या स्क्वायर निकालना होता है किसी वैल्यू का, या फिर किसी और पावर का नंबर निकालना होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल में मैंने 5 और 3 ले लिया है, तो मैं 5 का क्यूब निकाल रहा हूँ यहाँ पर,
तो फाइव का क्यूब होता है 125 और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज करके हमने फाइव का क्यूब निकाल दिया है। और इस वीडियो की लास्ट बिट देख लेते हैं हम, ऑपरेटर प्रिसिडेंस। तो ऑपरेटर प्रिसिडेंस अफेक्ट्स हाउ एन एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड। तो इसका मतलब होता है कि आपका जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है उसे जावास्क्रिप्ट किस तरह इवेल्युएट करता है। मतलब अगर आपने मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज किए किसी एक वेरिएबल में, जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ 200 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका मतलब है अब जावास्क्रिप्ट कैसे डिसाइड करेगा कि पहले क्या करना है, कि पहले वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है क्या पहले ऐड करना है। तो प्रिसिडेंस के हिसाब से पहले वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे, तो वो हिसाब से हमारा आंसर आ जाता है 250। पर अगर मुझे वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई नहीं करके पहले मुझे वो वैल्यू को ऐड करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है, तो उसे करने के लिए हमें पैरेंथिसिस का यूज करना होता है। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू को पैरेंथिसिस में डाल दिया है 200 और 25 को। तो इससे जावास्क्रिप्ट को पता चलता है कि मुझे पहले जो वैल्यूज पैरेंथिसिस में उसे प्रेसिडेंस देना है, तो हमें हमारा डिजायर रिजल्ट मिल जाता है। तो प्रेसिडेंस भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करने वाला हूँ। तो बाकी ऑपरेटर्स हम इसके अगले वीडियो में सीख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको और भी प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस पसंद है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।